लोगों के एक पारिवारिक चीज सुना दे कहना हो। तो कौन कौवाली है बता दे चचा ये गीत के स्वर्गीय राम दोस्त आप बड़ा मचल के गावे बड़ा मच के गावे नहीं का बेटवार में स्वर्गीय पप्पू लाल यादव जी अभी दुनिया में ना रहना अपना स्वर्गीय हो गई बड़ी बिरहाम गोली पप्पू भैया के साथ है एक गीत के पप्पू भैया बड़ा मचल के गावे करबला चलो करबला चलो चलो अरे करबला चलो करबला चलो पूरे बिरहा के निचोर के दू लाइन भाव में लिखल गई का लिखल गई बाबा अवधूले रात को हो अवधूले रात को रामचंद्र के जंगल गए 12 बरस से ज्यादा 13 बरस बीत गए 13 बरस से ज्यादा वहाँ जंगल में भगवान राम के भेल हो इधर एक रात अयोध्या में एक घटना घट गई का घटना घटल मास्टर यही से मेरी बिरहा कहानी शुरू है आवाज छत से आई है हलक पायल की आवाज छत से आई है वो खोप कौन घटाई को चट आई है
था, अब आराम से सबको बैठा था, आप डिस्टर्बेंस ना, पैसा देत रहा, हमन को कहीं नहीं ना रुके, हाँ ना रुके, फिर यहाँ पे ध्यान रहे, ए लोगन ए महफिल के ये दादा चाचा लोगन के देख के हमके बिरहा की गावे के पड़े, ताकि ये लोगन कहे कि नीतू राज आई रही तो कुछ गा के गई, कुछ बजा के गई, और ना कि खाली बस लेके गई, कुछ दे के भी जाई, अपन कोशिश वाला कि खाली लेके मत जा, कुछ दे के भी जा, गौर करेंगे बाबू जी इधर। अयोध्या में 13 बरस से ज्यादा राम के जंगल गई, बोल अयोध्या में एक रात एक घटना घटल, सारे लोग अपने अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे हैं, और वही 12 बजे रात भरी, अब 12 बजे रात कौशल्या का नींद अचानक खुलल, पायल बजने का आवाज छम 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 काने में कौशल्या के जात हो, कौशल्या आवाज सुने लगली, रखने लगली, पता ना चल, दाई के बुला के कली तनी पता लगा रही, पायल बजने का आवाज कहाँ से आवा था, दाई गई पता लगावत लगावत छतवा पर जब पहुंचल, महल के छत पर जाके देखे तो सबसे छोटकी पतो शत्रुघ्न का दुल्हन सुत कीर्ति वही छतवा पर आधी रात तक टहरत रहली, दाई देख के आई लाई की कौशल्या से कलश की, ओ मैया आपको सबसे छोटकी पतो स्वीत कीर्ति छतवा पर टहरत, वो नहीं के पायल बजने की आवाज, बोलिए रे रात आधी गई लो स्वीत कीर्ति छतवा पर टहरत ही गईली, जब गईली जाए पूछे सास अपनी पतो से पूछे लगली, इतनी रात के छतवा पे काहे टहरत हो, रोए लगली स्वीत कीर्ति और रो के अपने सास पत से बताओ थी स्वीत कीर्ति का बतली, महाराज यहाँ कर्ज बदल गए और ये लोकुश मुन्ना की तरफ से 4 रुपया पुरस्कार लड़कन वाली है, करो लड़का करो लड़की के सुधराई के देख के वर्णन कैले जो भी दौर करेंगे तो सिल्ले पूछो थे आवाज क्या कभी जी पूछो थे अब बताओ कि क्या कहेंगे, और ये बाबू राम यादव जी चंदापुर की पावन नाटी से 100 रुपया पड़ा दो कहना पड़े बताओ से अपने
रे सुकृति तुम छत पर टहल रही हो, मेरा बेटा शत्रुघ्न कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है? खली की है माई, शत्रुघ्न बटवा के अपनी पूछो थे तो सुना हमार बात, आप तो झरझर झरझर आज चलत बस सुकृति के बाल पड़ी है। अपनी सास से कहा कहीं बाबू को सुना, यही दिन से भैया सैया ना अल मॉल में देखले 13 बरस से ज्यादा बीत गल अपने सैया के आँख से जगह जगह आँख से बस सुकृति अपनी बात जब कौशल्या माई से कहले गौर करेंगे। माँ तो माँ होती है, कौशल्या का खून खौल गया, कई क्या कह रही हो? माई है सच्चाई है, यह सच्चाई है कि जौन दिन से भैया भाभी गई वही दिन से वो चल गई, कहाँ गई ला? कली की भरत भैया जो नंदी ग्राम में 1 फीट नीचे जमीन से 1 फीट नीचे गढ़ा बना के 30 का आसन लगा के जहाँ भरत भैया हुआ वही भरत भैया के सेवादारी में नंदी ग्राम हमार स्वामी उनका सेवादारी करत स्वर्गीय राम दोस्त के गाले तो बुल्लू उस्ताद का नंबर रहे और वो खड़ा होकर तो कहे काशी उस्ताद से एक अच्छा स्वर्गीय राम दो गुरु जी को सुन ला लेकिन अब बुल्लू गुरु गाओ थे लेकिन बिरहा में फर्ज निकल गई का देवानंद विदिशी लोहा के धरती से हमारे चाचा श्रीनाथ यादव जी के सम्मान में बहुत बहुत प्रणाम है।
लेकिन गौर करेंगे कौशल्या चल रही कहाँ चल रही नंदीग्राम स्वीकृति के लेकर के गयी वहाँ तो देखत का ही बाबा अंतरा गौर करेंगे इधर जब पंचली कौशल्या नंदीग्राम में जब जाए कि देखे तो बड़ा सुतल हुआ यार शत्रुघ्न लेके बनिया एकदम पूरा चौचक बुला हुए खाते में भाला पहरेदारी करत हुआ कौशल्या कली की शत्रुघ्न अरे किस से पूछ करके जो अयोध्या का महल छोड़ कर नंदीग्राम में आए हो एक बार इस माँ से पूछना मुनासिब नहीं समझा तूने शत्रुघ्न कलन की माई अब तू तो अलू अलू हरे हमारे महिलाओं के लिए उन्हें स्वीकृति के क्या कर लिए उन्हें कौशल्या कली की स्वीकृति को छोड़ कर आ करके भरत की पहरेदारी कर रहा है गौर करेंगे जब इतनी बात कौशल्या कही तो यहाँ शत्रुघ्न बड़ा ऊंचा एक लाइन जवाब दे मास्टर क्या जवाब दे रहे बाबा आला जोगिंदर भैया माने के पड़ी जब जैसन तब तैसन ना बुझलस तब मरद कैसन गौर करेंगे बोल पड़ी कौशल्या की ललनवा नाही अला घर में तुहरे याद में तरप स्वीत कीर्ति जननवा ललनवा नाही अला घर में तब शत्रुघ्न बोले के चौकड़ा लगी बाबा बाल पड़े शत्रुघ्न की माँ जिसका एक भाई अनुरागी एक भाई बैरागी और एक भाई त्यागी तो क्या ये शत्रुघ्न भोगी बन जाए नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता मेरे बड़े भैया अनुरागी मेरे भरत भैया त्यागी साक्षात त्याग की मूर्ति तेरे सामने मॉल को छोड़ करके आ करके नंदी ग्राम में जमीन से एक फीट नीचे गड़ा पूस बना के आसन सुतल हुआ लक्ष्मण भैया के जंगल ना भरल 14 बरस के जंगल लक्ष्मण भैया करत हुआ क्या जैसा बैरागी कोई नहीं हुआ माँ तो क्या ये शत्रुघ्न जाकर महल में भोग विलास करे पत्नी को लेकर यही धर्म सिखा रही है
भनसा आए हाय हाय तभी है बतिया तो हो तो माई बटवा में आ तब तक भैल का विराह में तर्ज बदली बाबा गाड़ी अकलाई लगल एक ठेगारी होले बाबा जवन जरिए बात मारे तो कपार फाट जाई लेकिन एक ठेगारी होले जवन गौले पर पैसा मिलला चचा ई पैसा वाली गाड़ी है उधार वाली ना पैसा वाली है आ जा मोरे पीछे बार माये मोरे पीछे बार माये अरे छी छी ली गोरही लेके जात है बीच के बाहर चला देना सोचो थी कि हमार भैया भौजी जंगल में हुआ आई पर्वत पहाड़ में ले जात हुआ ले जाए कि तो जंगल में अगर खोल देना भैया भौजी के चोट लग गई तब तुरंत भरत तरकस से खींच के बाहर हुई ऊपर निशाना मार रहे हो आज जो बाढ़ छोड़ने में बाबू तो जौन आदमी जात रहे लेकर के हथेली पर पहाड़ आ गल नीचे आ जब नीचे आये तो नीचे उतर राम 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 श्री राम श्री राम रखे लगे भरत चले कह रहे हमारे भैया का नाम ले वाला आखिर तू हुआ के कहो राम भक्त हनुमान गईला आपके हुआ कहो कि हम वही राम को छोटा भाई भरत हुआ कहो हनुमान कह रहे भरत भैया आप हुआ कलम की आई कौशल्या है ती सी कीर्ति गई ती शत्रुघ्न एलन जब चक्कर पहुंचे हनुमान जला तब तक कौशल्या बोल पड़ी कि हे हनुमान हमार जटवा राम हमार पतो सीता हमार लक्ष्मण कैसे हम जंगल में तब हनुमान कलन किए माई जब पूछते हो कैसे राम हुआ कैसे सीता कैसे लक्ष्मण ला हम तुके बतावे थीला का बतौला हनुमान आवा मास्टर सरंगा सरंगा जटर आस करत हनुमान और रोवे थे बतावे थे उनका कौशल्या माई सुना भारा का भाई सुना भारा का भाई सुना बात का भाई सुना चार जी
बड़ी में गलने ओ नहीं से रन हो भईले ओ नहीं से रन हो भईले मरन पानी ना जी का पारे जी लागल लाखन को छाती रोवे रामा छाछो छाती रोवे रामा छाछो छाती हनुमान सारी व्यथा को बता दिए कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा कैसे सीता को रावण हर के लंका ले गया छल पूर्वक। राम चढ़ाई के लिए लंका पर इधर इंद्रजीत मार दले शक्ति बाण लक्ष्मण के छाती में, लक्ष्मण मरे वाला हुआ है। संजीवनी बूटी लेके जात रही है लेकिन भरत भैया मार के गिरा दिले, रातों रात पहुँचे कर सवेर हो जाये। संजीवनी बूटी कोनो काम तो ना रह जी, लक्ष्मण मर जी कोई बचा ना सकत। सारी बतिया हनुमान रो रो कर की बता दलन बाबू को सुनिया कलिन के अरे बाप रे बाप, 14 बरस के बनवास हमरे राम की बहन लल हमरे लक्ष्मण की ना बहन लल, लेकिन हनुमान तू बताओ तुआ की लक्ष्मण की शक्ति बाण लगल लक्ष्मण मरे वाला हुआ। अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो जा करके उस मेरे राम से एक मेरा संदेश कह देना। रो पड़ी कौशल्या इस संदेश को देने में, यह संदेश क्या था बाबू जरा गौर करेंगे। आओ बाबा अरे कौशल्या कपी से कहे लगा जा करके राम से जरूर कह देना। कह रही है वह माँ क्या कही मस्ते कही हा संदेश सही है देहरी पहलिया जाना, मैं समझ लूंगी कि मेरा राम ही मर गया जंगल में। वाह माई होके तो ऐसा जाए क्या जाना।
और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे चचा श्रीनाथ यादव जी तेवर बरीछा से और ये विजयलाल यादव जी तेवर बरीछा से पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम है, बरात कर जाए के नहीं तो चचा मार भी रहा तो बहुत शौकीन हूँ। बहुत बहुत भैया के प्रणाम है चचा की पालगी, लेकिन गौर करेंगे यही बात कौशल्या ने कहा तब तक अब इन कौशल्या हनुमान से संदेशवा देता है तब तक सुमित्रा आएगी और सुमित्रा हनुमान के बोलौली और ले जाए के आड़े कहली की ये हनुमान जो कौशल्या दीदी कहली है वही संदेश हमारे राम बेटवा से मत दी है। देखा हम बताओ थी कि परिवार का त्याग का होला, हम यह गावत थी कि एक परिवार के महान बने में केकर केकर योगदान होला, कैसे वह महान बनता के परिवार। आज डॉक्टर साहब का परिवार हो, आपका परिवार हो, आपका परिवार है, हमारा परिवार है, समाज में कोई ऐसा ना बाबू जो परिवार वाला न हो, सारे लोग परिवार वाले होते हैं और परिवार की एकता परिवार का त्याग क्या होता है। राम हमारी आपकी तरह एक आम इंसान हो के धरती पर दुनिया में ले, लेकिन भगवान बन के गये, कैसे भगवान बन के गये, त्याग रहे उनके पीछे परिवार का तो भगवान बना रहे। बोल परी सुमित्रा कहनी कि हमार संदेश जाके राम से दिया, का संदेश बोल पहपट लगी कि सुमत सुमित्रा बोल पड़ी, अरे सुमत सुमित्रा बोल पड़ी तो फिर आई जाके कही दिया, अरे तू तो बवन का कही लाल आई जाके कही दिया। अरे तुरंत खबर हो छोटका बतवा शत्रुघ्न समर में लड़ मगे तब जहन हो, मगर समर में ना शीश अर झुकाई जाके कही दिया, भाई 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 बाबू जी यही बात सुमित्रा ने कहा कि कौशल्या एक का बेटवा को मतारी नहीं हनुमान के एक बेटवा को मतारी है भैया। ऐसे 2 मिनट सुना कोनो मतारी तुम्हें जन्म दे के इतना बड़ा कहले तब आयल हुआ अपने से ना आयल हुआ तो शांत रहा सुना ना निकले तो घरे जा, लेकिन 2 मिनट बतिया हमार सुन ला। ए बाबू बोल पड़ी कौशल्या सॉरी सुमित्रा कहली कि कौशल्या दीदी एक बेटवा के मतारी है, खाली राम उनकर बेटवा हुए, कह के एक बेटे की माँ है भरत उनका बेटा है, लेकिन ये सुमित्रा 2 बेटों की माँ है शत्रुघ्न प्लस लक्ष्मण, 2 बेटों की मैं माँ हूँ। बोल देना मेरे राम से अगर शत्रुघ्न सॉरी अगर लक्ष्मण मारा गया लंका में, अगर उस लड़ाई में मेरा बेटा लक्ष्मण मारा गया तो राम से कह देना कि देर ना करे संदेश भिजवा देगा, मैं शत्रुघ्न को भेजूंगी लड़ने के लिए, लेकिन उस नीच पापी अत्याचारी अहंकारी रावण के सामने सर मत झुकाना राम, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरा बेटा सर झुकाकर चलाया रण क्षेत्र से, संदेश भिजवा देगा। अरे बाप रे तनी बतिया भाई सुमित्रा कहनी कौशल्या को सुनबे किला, अभी सुमित्रा को सुनबे किला तब ले कह के ही आएगी, अब कह के ही अली तक आभर गौ बाबा। तब ले गई अरे मतारिया बाबू भगवान कल्ला।
वही मतारी के जो समय देखलन कलन की ओ माँ तिल की कलंकिनी क्या लेने आई है तू मेरे पास। मैं तुझे से पापन अभागन माँ का मुंह देखना नहीं चाहता। चली जा मेरी नजरों के सामने से, हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं मैं भूल न जाऊँ कि तू मेरी माँ है और तेरे ही कोख से मेरी जन्म लिया है। आए हाय कई कई झरझर झरझर रोने लगली बेटवा को पकड़ के। कलन की है बेटा, एक कलंक का टीका मेरे माथे पर लग चुका है कि मैंने राम को 14 बरस का वनवास दे दिया। लेकिन दूसरा कलंक का टीका मेरे माथे पर लगने वाला है बेटा, और तू चाहेगा तो मैं उस दूसरे कलंक से बच जाऊंगी बेटा। भरत कलंक की मारी दूसर का कलंक का टीका तो ही का लगे वाला है। कलंक लक्ष्मण की सुनत है शक्ति बाण लगल लंका में, अगर लक्ष्मण मर जाइए तो वह का दोषी हम ही हो। राम के 14 बरस का वनवास देखी, लेकिन निर्दोष लक्ष्मण लंका में मारा जाएगा, वह दूसरा कलंक का टीका मेरे माथे पर मारा जाएगा बेटा, और तुम चाहोगे तो मैं बच जाऊंगी। कलंक की माई करे कि का हुई, कलंक की वह धनुष पर बाण चढ़ा के हनुमान के जवन नीचे उतार दिलवा लंका भेज दा। कलंक माई है धनुष के बाण पर धनुष चढ़ा के, सॉरी धनुष पर ही बाण चढ़ा के और बाण पर हनुमान के बैठा के हम लंका भेज दे। कलन की हाँ, कलन माई हमारे अंदर ताकत कैसे कहा। कलन की हाँ बेटा, भरत बाहुबल हो, भरत तुम्हारे बाजुओं में वो दम है वो ताकत है, हनुमान को एक पल में लंका भेज दोगे बेटा। हनुमान सुनिया कहो ये माई एक बात हमारे याद आ गई, कहला का कहना यही से हमार प्रभु राम कहना जे भी गोर धरला आशीर्वाद मांगला तो यह कहो भरत बाहुबल हो। आज हमारे समझ में आल कि हमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम काहे सबके आशीर्वाद देना भरत बाहुबल हो। तुरंत भरत तरकस से बाण खिंचला और धनुष पर चढ़ला, हनुमान आए कोई बाण पर बैठला। आज जो हनुमान वही बाण पर बैठा तो उनकी मारी जोर से बढ़वे टूट जाए, देखी भरत कैसे पहुंचावल। आए हाय बाबू भैल का तनी देखा खड़ी लगा लगी। उर्मिला बगलिया में खड़ी है ठट्ठा मार के हंसे लगली। हनुमान कलन की अरे ये लक्ष्मण का पत्नी है। कलन की हाँ, कलन की तोरे पति के प्राण संकट में है, लपका में बाण लगल है, शक्ति बाण लगल है, लक्ष्मण मरे वाला हुआ, कैसी पत्नी है कि तू हंस रही है। तेरे पति का प्राण संकट में है सती, मैंने सुना है कि तू सती है, तो देवी क्या हंस रही है तू, तेरे हंसने का कारण क्या है। बोल पड़ी उर्मिला कि अगर मैं सती हूँ तो आप भी तो विद्वान हैं। मेरे हंसने का रीजन आप समझ नहीं पा रहे, मैं हंस रही हूँ आपको शंका हो रहा है। कलन की बिल्कुल शंका हो तो, अरे जिकरे पति का प्राण संकट में है मरे वाला वो पत्नी हंसत है, हम जानना चाहती कि काहे हंसत हो देवी। बोल पड़ी उर्मिला का कही मास्टर
हनुमान कला की वही आप बतौला कि स्वयं नारायण लेकर के गोद में हमारे स्वामी के सर रोवत हो। जे स्वयं नारायण की गोदी में सूतल होके काल के कहा हिम्मत है कि मेरे पति के प्राण लेके जाइए। जहाँ तक रहा सती का सवाल, सती तो हम हैया परीक्षा लेवल जात हुआ तो एक रात के बात करत हुआ चार छह महीना अयोध्या में खूब आराम विश्राम कैला इनकरे हिम्मत ना की सवेरे उदय हो जाए उस सती हैला हम बहुत सती हूँ मैं। हनुमान अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो एक दो दिन नहीं एक दो रात नहीं छह महीना जो ध्यान आराम विश्राम कहला तब जा और रोक ले इनके सूर्य के उदय ना हो दे उर्मिला सती हिला तेरह वर्ष से ज्यादा हमारे स्वामी के पहले हो गए हो सपना में भी अगर पराये पुरुष का अगर हम देखले हो दर्शन हमारे सती तो भंग हो जाए। उर्मिला के बात सुनना हनुमान पूरे परिवार के प्रणाम कहना कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सीत कीर्ति तो सारे लोगों को प्रणाम करके हनुमान भरत को प्रणाम करते हुए आज जहाँ भरत तिरिया छोड़ना जाए कि लंका में उतरला हनुमान उपचार भल लक्ष्मण जीवन दान कोना या राम विजय कोना दुनिया का लोग जाने लगे ऐसी कहानी बाबू जी मिलती है। पूरे परिवार का त्याग रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान बनाने कौशल्या सुमित्रा कैके चाहे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाहे उनकी पत्नी सीता सारे लोगों का त्याग रहा राम को भगवान बनाने में। इसलिए हमार कहना रहल कि परिवार में 20 लोग रहल बाबा एक कमाला अगर और बाकी लोग बैठ के खा पिए तो कमाने वाला कभी घमंड नहीं करे कि मैं ही तो करता हूँ सारे लोग फालतू है जो ना कमाते वो घमंड न करे भैया जो कमाते हो तो कुछ कहे मत अपन धीरे से काम कर लो कहना कहानी खत्म की। गुरु बिहारी गुरु वंदन ऐसे कैसी वतन में श्यामा सुंदर इलाहाबादी लगा दो नाच घुचना साफ साफ बाबा तऊ हो तऊ हो शादी भी आए आगे भी हुई लोग हमारा आपका पूर्वज कह के गई हमारे घर के आपके घर के पुरनिया कहलन की जै दिन बेटी बेटा के जन्म होला वही दिन मालिक स्वर्ग में रिश्ता तय कर लन के कर ब्याह कैसे हुई। चार लाइन भूमिका से बिरहा कर शुरुआत का कैसा बिरहावा खिलती कली जब चमन में दिहस के अरे करता भारी रस में डूब के बसेरा
तिकम तिकलिया निहारे सुख का कुंज कुल में सवेरा सुख ने महादेव सूरत सवारे और अपनी देव मंगी तिभी तिगुड़ी सजाए और पछती सुभर सूजी को अपना जमाई बनाए अपना जमाई बनाए दक्ष राजा के बिटिया सती जब जवान भैली है सयान भैली है दक्ष राजा के द्वारे शिवदानी भोलेदानी बरात के साज के लेकर के चलल हुआ मन में कही विचार बा सती से विवाह करब सती के लेकर के आई कैलाश पर्वत पर शिवदानी का बरात सजल बा हाथ में डमरू त्रिशूल बा बसहा का सवारी के ले चलल हुआ बिरहा में एक लाइन जल के नमदा बा लोगन से आपन दर्द बयां करत बा कहत बा कि जे प्यार कैले बा उ डेरा गई तो प्यारो जाई आ प्यार में लातो जूता खाए के पड़ी तो प्यार डेराए का चीज नहीं है प्यार जबरदस्ती का चीज बा बरियाई प्यार तनके करा लेकिन ओकर बवाल ढेर करा आज प्यार होत नहीं है प्यार करे वाला प्यार भी को ले केहू जान भी ना पाई और ना प्यार करे वाला मैं दुनिया भर का ढिढोरा पीट दे घूम घूम मोबाइल में से फोटो दिखाई ये हो कैसन बा ठीक बा एकर नाक कैसन बा ओंठ कैसन बा मने वो बता घले कि हमार प्रेमिका है से हम प्यार करीला आशिक कहत बा का कले बा अरे जब प्यार हो जब प्यार किया तो दरिया प्यार दरबार में दक्ष राजा खड़ा हुआ सम्मान में भाव लिखल गई रे बसहा परी रे बसहा परी सवार
आगे बड़े सुंदर कलाकार गायक फुलेंद्र यादव खजड़ी वाले निजी की ओर से पावन पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। भैया के भोलगी सबके भोलगी बा आशीर्वाद की इच्छा बा भोलेदानी प्रात के लेके पूजल हुआ दक्ष राजा गले में फूल का माला पहरा के सम्मान के साथ लेके गई लनबड़वा में जा करके शिवदानी बैठल हुआ बरतिहा भी पहुंचल हुआ अग्नि देव अलगे पवन देव अलगे ब्रह्मा जी अलगे जिम्मेदारी सबकर अलग अलग होले बिया है में दुल्हा का मामा कुछ और करी हम तो दुल्हा का भूखा कुछ और करी हम दुल्हा के जीजा के काम दूसर दिहल गई लहेला सबकर अलग अलग जिम्मेदारी होले सब अलग अलग जिम्मेदारी निभावेला भोले दानी शिवदानी के बियाह में सब अपने जिम्मेदारी पर एकदम अडिग बा डटल बा वही माँ ब्रह्मा जी पंडित बन करके मंत्र बाचत हुआ शिवदानी सती के साथ फेरा लेत हुआ यहाँ बड़ी कचाका गीत लगल और या शादी से पहले लड़का एकदम शुद्ध शाकाहारी रही शादी के बाद लड़का के तनी मन पढ़ाई करी ओकर दोनों सर्टिफिकेट नहीं थे शादी से पहले कही कि हम दारू ना पीला बंटी बबली की पजरे ना जाइला लेकिन बियाह के एक महीना बाद लड़का कही कि तो जानत नहीं थी कि हम कौना मिजाज कहें कही कुल जाने के चाहिए ना बाकी लड़का बड़ा मिजाजी बा मेहरारू से मोहब्बत करता लड़का कहता तेरे हमार जान मेला देखे मत जा का कहे छोड़ दे तुरी खाती कहता या नोहरी अभी कनिया बारू अरे केला देखे के काहे चिढ़ कइले बारू संयोग देखे आगे आगे शिवदानी पीछे पीछे सती ब्रह्मा जी हाली हाली मंत्र बाचत हुआ अचानक पवन देव के होश परल बाकी हमारो कुछ जिम्मेदारी होले पछुआ जरूर गई बानी लेकिन चुटकी में काम करो पवन देव अपन जोर दिखावो करो अपन ताकत दिखावो करो एगो बरियारे भवंडर लिहले आ गई आज पवन देव एगो बरियारे भवंडर लिहले आ गई तिहा बरतिहा की ऐसी की तैसी होके लगल केहू आंख मिजता केहू अपन गमछी सरियावता केहू अपन धोती पकड़ पकड़ के गोड़ ढाकता ई कैसन वही हवा के एगो झोंका वही मड़वा में गई बा जब मड़वा में गई तो भई का
का झोंका लेले आ गई। छोटा एगो हवा का झोंका वही मड़वा में गई, और जब हवा का झोंका मड़वा में गई तो सती का घोंघट उठ गई। सती का जवन चुनरी रहल सर पर, उस सती का चुनरी नीचे गिर गई। सती का चेहरा लौकता, ब्रह्मा जी टुकुर टुकुर ताकता रह कहल गई। अरे ब्रह्मा जी ढंग से नाची और रियाज करी। शिवदानी बड़ा क्रोधित हो गई ब्रह्मा जी के ऊपर, हमरे सती के देखे वाला के हम जला के राख कर देंगे। लेकिन अब हिंदू पंडित बनल बड़ा, मंत्र वाचन बड़ा पिया हमार संपन्न नहीं भई, बाकी तुहार नियति ठीक नहीं बा। इशारा कैलन एक बार दो बार, जब ब्रह्मा जी के ध्यान नहीं टूटल तब ब्रह्मा का ध्यान तोड़े बदे शिवदानी अपने त्रिशूल का प्रहार कैलन हो, और जब त्रिशूल का प्रहार कैलन तनी संगीत बदल गई। हमरे स्वर्गीय ठेचर गुरु जी गाए कैसे, त्रिशूल का प्रहार कैलन, त्रिशूल गन 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 नाचत गई। और जब त्रिशूल गई बा तो जाय के वही ब्रह्मा जी के गर्दन पर लगल बा। Oh!
अपन जान प्यारा बा। ब्रह्मा जी बैठल टुकुर टुकुर ताकत मारन, पांच गो मुड़ी ब्रह्मा जी के रहल, एगो मुड़िया जब कट गए तो खाली चार गो शेष मुड़ी बचल बा। रक्त के धार बहुत बा, तमाम ऋषि महात्मा खड़ा हो, उन सभी जाए के शिवदानी के समझावे लगल, कहो बियाह में तो बवाल हो गई, का कैला कैला बियाह करावे, तनी बर्दाश्त कर ले होता तो का बिगड़ गई हो। अब तो बियाह भी ना हो, शिवदानी कहे होई काहे न होई, प्रशासन आई बाहरे बिया, न घर तिहा के दिक्कत बा, न बरतिहा के दिक्कत बा, एगो मनई के चलते सबके जीव अरसा में हो जाला। शिवदानी बियाह करे के तैयार हो, चार कदम आगे बढ़ल, विद्वान ऋषि महात्मा समझावे गए तो उनके ब्रह्म हत्या लग गई, बियाह ठीक नहीं हुई। बात सुन करके गईलन शिवदानी, हाथ जोड़ के हुई ब्रह्मा से कहे बिरहा में भाव बा, ब्रह्मा वाली सटल शिव के छतिया, विपतिया बासादी के रतिया, ब्रह्मा का मुड़िया कटल तब भुइया ना गिरल, नाचत आयल मुड़िया या करके शिवदानी के दाहिने छाती पर सट गई, पकड़ के शिवदानी मुड़ी छुड़ावल जात हो, लेकिन मुड़िया छूटत नहीं बा, जाय के ब्रह्मा से उपाय पूछत हो कि हाई मुड़ी कैसे छूटी, एक तो पहले से इतना निक रहली और निक बना देहला। ब्रह्मा जी हंस का सुना पहपट के लाइन में कहत हो, सती के तीर्थ यात्रा पर चलल हो, बियाह जेकर न हो खे, बियाह में से दुल्हा भगा दिहल जाए, आ दुल्हा के कहल जाओ घर के ले जाके किसो तीर्थ यात्रा को ले, तो दुल्हा के का दे बगीती, शिवदानी के समझावल जात बा अब का बियाह करब, जा तीर्थ यात्रा कर तब भाई मुड़ी छूटी ना तो छूटी उठी। लेकर के सती के शिवदानी तीर्थ यात्रा पर चलल हो, नागे आगे शिवदानी पीछे पीछे सती दुलाई नल्हा हो, अरे सती सरमा की चली
शिवदानी वही बनारस में पहुंचल हूँ। जब बनारस में गई लन अचानक शिवदानी के बड़ी जोर का प्यास लगल, हाथ जोड़ करके शिवदानी बनारस में गई लन शिवदानी बैठ गई लन सती रास्ता चलो ला जात बड़ी जोर का प्यास लगल बा, लगत बा कि शरीर से प्राण निकल जाई। हाथ में कमंडल लेके सती दूर दूर ताके कहीं ताल तलैया नहीं लुकत बा। चलत चलत कुछ दूर गईली एगो छोटहन मुक्की डबरा बा, वही डबरा में से पानी लेके अली हा। शिवदानी भोलेदानी के पानी पियोली दू घोट सती रोवे लगली। देख करके शिवदानी सवाल गेलन कहो सती पानी पियोला के तो इतना कष्ट हो जबती तो पानी के नहीं भेजती, दो घुट पानी का पियोली की रोव ताड़ू। शिवदानी कहे नहीं ये खाती नहीं की रोवत की पानी लिया उतना दूर गईली, बल्कि ये खाती रोवत बानी कि एक तो हमार बियाह नहीं भइल, बियाह में बवाल बच गई, दूसरे तीर्थ यात्रा पर निकल गयी, तीसरे शादी का निशानी एगो मड़ी का मुनरी रहल वही मड़ी हवा में गिर गयी। शिवदानी खड़ा भेलन जाके वही मड़िया में मड़ी का मुनरी डुबत हुआ चमत्कार भइल बा। भइल का आखिरी भाव हो अपनी मन में छू गई, वही मड़िया में जब ब्रह्मा के मूड़ी छू गई शिवदानी मरलन लाते से वो ब्रह्मा के मूड़ी वही मड़िया में धंस गई। शिवदानी मरलन लाते से जब मूड़ी मड़िया में धंस गई तो वही मुड़िया से एक मंदिर बनावल गई जेवने मंदिर के नाम पड़ल कपाल मोचन। सती का मड़ी का मुनरी जेवन मड़ियवा में गिरल हल वही मड़ी के मुनरी द्वारा मणिकर्णिका घाट बनावल गई। दूर दूर से लोग जालन वही मणिकर्णिका घाट पर दर्शन दीदार लोग करेलन, मंदिर में पूजा करेलन, पाप से मुक्ति पावे के याचना करेलन बतावल गई। और मंदिर में पूजा करेलन, मणिकर्णिका घाट पर दूर दूर से लोग लाश के लेके जालन और बड़ा शौक से वही मणिकर्णिका घाट पर लोग लाश भी जरावे का काम करेलन। आखिरी भाव बतावल गई रहो बना के होश सभा में कहे करी संतोष, अरे पीपल